मैं आप जो आपको लाइव दिखाने वाला हूँ किस तरीके से आप इसमें पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं और किस तरीके से आप खरीद सकते हैं और किस तरीके से आप उसको बेच सकते हैं और किस तरीके से आप उसको अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं आपको दिखाता हूँ इस पूरे प्रोसेस को। तो सबसे पहले हम इसमें जाएंगे, पोर्टफोलियो में डिपॉजिट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो हम इसमें सबसे पहले डिपॉजिट करके देखेंगे, राइट, ठीक है। डिपॉजिट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले विड्रॉल करके मैं आपको दिखाता हूँ, विड्रॉल करके, कि ऑलरेडी मेरे अकाउंट में 1147 रुपये है। तो पहले मैं इसको विड्रॉल करता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको डिपॉजिट करके दिखाऊंगा। विड्रॉल करने का प्रोसेस क्या है, चलिए सबसे पहले जो आपका ये है टोटल बैलेंस है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है। इसके बाद आ रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं विड्रॉल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना आपको विड्रॉल करना है उसका ऑप्शन आ रहा है। चलिए मैं इसमें 500 रुपीज़ डाल देता हूँ और टिक करता हूँ, विड्रॉल पे क्लिक करता हूँ, ओके। ये मेरा अकाउंट है, मैं इसको ब्लर कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा पर्सनल डिटेल है, तो इसको मैं शो नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कन्फर्म का ऑप्शन आ रहा है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसमें हम कन्फर्म करेंगे, ठीक है। सिक्योरिटी पिन मांग रहा है, तो मैं इसको सिक्योरिटी पिन दे दूंगा, ठीक है। ये डिडक्ट कर लेगा। मेरे मेल आईडी पे एक ओटीपी सेंड हुआ है, ठीक है। मैं वो ओटीपी एक बार देख लेता हूँ और ओटीपी इसमें डालना होगा, तो 52 सेकंड मेरे पास बचे हैं। देखिए ओटीपी दोबारा आ गया है, 03686842 03 6036842, और मैं इसको ओके करूँगा। और ये आप देख सकते हैं कि इनर विड्रॉल 500 रिक्वेस्टेड इज कम्प्लीटेड एंड शुड रिफ्लेक्ट इन योर अकाउंट इन फ्यू मिनट। कुछ ही मिनटों में ये पैसे मेरे अकाउंट में आ जाएगा। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि वो पैसे मेरे अकाउंट में आया है कि नहीं, ओके। ये देखिए अपडेट, अभी लाइव अपडेट में दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए लाइव अपडेट है, ये आप देखिए लाइव अपडेट में आपको दिखा रहा हूँ। अपडेट योर अकाउंट क्रेडिट विद इनर 500 लिंक विद मोबाइल नंबर दिस, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखा ही देता हूँ, ऐसा नहीं लगना चाहिए। अभी देखिए HDFC का है ये, ठीक है। ये देखिए 500 रुपये क्रेडिट हो गया है 15 फरवरी, ठीक है। तो 500 रुपये डिपॉजिट हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए अभी मेरा अकाउंट बैलेंस कितना है, ये देखिए मेरा बैलेंस जो है, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ अगेन कि आपको क्लियर हो, ठीक है। रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखिए इधर अभी भी दिखा रहा है पेंडिंग, बट मेरे अकाउंट में बैलेंस आ गया है, ठीक है। इधर भी क्लियर कर देगा, और इधर देखिए जो कुछ 1100 रुपये था वो कितना हो गया, 647 रुपये हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको अपने लाइव दिखाया कि किस तरीके से आप विड्रॉल कर सकते हैं, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको डिपॉजिट करना है, ठीक है। चलिए ये देखिए डिपॉजिट का सिंबल है, इस पर आपको क्लिक करना है, राइट। मैं 100 रुपये डिपॉजिट करूंगा या 500 निकालना था, इसलिए ज़्यादा निकाल लिया, वापस निकाल लिया। मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए 100 रुपीज़ डिपॉजिट करता हूँ, इससे कम आप डिपॉजिट नहीं कर सकते। तो 100 रुपीज़ इसमें डिपॉजिट करते हैं। इसमें बैंक ट्रांसफ़र और UPI दोनों का ऑप्शन दिया हुआ है, और आप कोई भी ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं UPI का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। इस पर क्लिक करूँगा UPI पे, ओके। इसमें UPI ID मांग रहा है, तो मैं अपना UPI ID कॉपी कर लिया है, तो मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। पे पे क्लिक करूंगा, ओके। और ये प्रोसेस ले रहा है, ठीक है। ये मेरा UPI है, और मैं करूंगा पे नाउ पे क्लिक, राइट। इनिशियल पेमेंट एड्रेस, पेमेंट इज बीइंग प्रोसेस्ड, ये ओके प्रोसेस हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं जो मैंने ट्राई किया था वो फेल हो गया है, तो मैं इस वक्त आपको नहीं दिखा सकता डिपॉजिट करके, फेल हो गया है, ओके। ये फेल हो गया, डिपॉजिट नहीं हुआ है कुछ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा जो ट्रांजेक्शन था वो फेल हो गया है, पैसे डिपॉजिट नहीं हो पाए। कोई बात नहीं, आप इसको ट्राई करिएगा, पैसे डिपॉजिट हो जाते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया हुआ है। तो इस प्रोसेस के थ्रू आप पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, मेरा प्रोसेस वक्त फेल हो गया है, पैसे डिपॉजिट नहीं हो पाए, तो हम इसको स्किप करते हैं। मैं आपको अभी दिखाऊंगा किस तरीके से आप
इस एप्लीकेशन की मदद से कैसे आप किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे आप उस कॉइन से परचेज़ कर सकते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, मेरा मार्केट में मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने अभी तक क्या क्या परचेज़ किया है। ठीक है, ये देख सकते हैं, मैंने इतने सारे कॉइन में इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें से पहले नंबर पे है डॉगी कॉइन। इसमें आप देख सकते हैं जो मेरा जो परसेंटेज प्रॉफिट है वो 313% तक है। ठीक है, जब मैंने इसको ख़रीदा था, बाइंग प्राइस जो था वो 91 पैसे था, 0.91, और इस समय जो करेंट सेलिंग प्राइस यानी 3.80 रुपये के आसपास है। ओके, अप्रॉक्स 2.90 रुपये मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ हर एक कॉइन्स के ऊपर। और मैंने आपको दिखाया कि मैंने 1000 रुपये के आसपास का ऑलरेडी ये कॉइन मैंने बेच दिया था। ठीक है, किया हुआ है, मतलब ऑलरेडी मैं 1000 रुपये का बेच भी चुका हूँ, और उसके अलावा मेरे पास इतना बैलेंस है। ठीक है, करंट वैल्यू 1000 रुपये की है, 1000 रुपये का बेच दिया और 1000 रुपये की करंट वैल्यू, मतलब 2000 रुपये के आसपास था। एक्चुअली इसकी वैल्यू मेरी कहीं ज़्यादा थी, थोड़ा मार्केट डाउन हुआ था, जिसके से मैंने इसको बेच दिया। बट अभी भी आप देख सकते हैं कि 83% लोग इसको अभी भी खरीद रहे हैं, यानी ये काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। और इधर देख सकते हैं कि इसका आज का जो हाईएस्ट रेट था 4.96 रुपये था, और जो लोएस्ट रेट था वो 3.64 रुपये चल रहा है। अभी करंट बाइंग प्राइस का देख सकते हैं आप, 4 रुपये का अभी बाइंग प्राइस चल रहा है, और ये थोड़ा सा अभी डाउन चल रहा है। ठीक है, तो आपको कैसे ख़रीदना है और आपको कैसे बेचना है मैं आपको अब ये बताने वाला हूँ। तो चलते हैं होम पेज पे। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, हाँ, इसके अलावा मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ। पोर्टफोलियो में जाइएगा तो मैं इतना कॉइन खरीदा, इसके अलावा बिटकॉइन भी देख सकते हैं आप। ये बिटकॉइन है मेरा, मैंने बिटकॉइन में भी कुछ परचेज किया था। देखिए, बिटकॉइन में आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन है ये। ठीक है, अभी जो बिटकॉइन की जो करंट वैल्यू चल रही है वो 34,92,252 रुपये चल रही है, राइट। और जब मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था उस समय इसकी वैल्यू थी 19,19,916 रुपये, और करंट सेलिंग है 34,37,000, मतलब लगभग 15,00,000 रुपये ये प्लस में चल रहा है। और मेरा जो करंट वैल्यू है वो है 161 रुपये, 79% प्रॉफिट में चल रहा है। इसका मतलब अगर मैंने 100 रुपये का बिटकॉइन खरीदा है तो मेरी इस वक्त जो वैल्यू है 179 रुपीज़ है। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी बिटकॉइन भी बेचा था, इसलिए अभी थोड़ा मेरा बैलेंस कम है बिटकॉइन में। बट अब मेरा ऑल ओवर जो परसेंटेज देख, अब इससे मतलब नहीं, आप ऑल ओवर जो परसेंटेज देखोगे प्रॉफिट गेन, तो मैं भी 42% प्रॉफिट में चल रहा हूँ सेल करने के बावजूद। ठीक है, मैंने जो सेल किया, ये पैसा जो मैंने सेल किया था इसको छोड़ कर जो मेरा करंट वैल्यू है वो मेरा अभी 42% प्रॉफिट में है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप कोई भी कॉइन कैसे, कब खरीदना है, कैसे खरीदना है, और कब बेचना है, और कैसे बेचना है, वो आपको बहुत ध्यान से आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। अभी से आप इसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। आप कुछ पैसे इन्वेस्ट करके या फिर नहीं भी करके, आप अपना जो खर्चा है 200-300 रुपये महीने का, 400-5000 रुपये आप आराम से बोले तो पार्ट टाइम में आराम से अर्न कर सकते हैं। ठीक है, ये तो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने इतना कुछ किया। अगर को मेरे को रियली में अगर इसमें अर्न करना होता तो मैं अब तक और अच्छा अमाउंट अर्न कर चुका होता।